गिरिडीह में इन दिनों कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चल रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह के बेंगाबाद में वैक्सीन को लेकर जागरूक करने पहुंचे अधिकारियों पर वहां के स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में बेंगाबाद सीओ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। कोविड टीकाकरण महाअभियान को लेकर ग्रामीणों को जागरूक करने महुआर गए बेंगाबाद के सीओ कृष्ण कुमार मरांडी पर रामचंद्र ठाकुर और उसके परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। लाठी और डंडे से अंचला अधिकारी पर ताबड़तोड़ प्रहार कर घायल कर दिया गया। बोले क्या सबको लेना है, कार्रवाई हो जाएगी, है ना, यही सब बोलने लगे। तो वही बोले कि नहीं देंगे, नहीं लेंगे। उसके बाद क्या किया, वो ऐसा घर से ऐसा एक ऐसा करीब डेढ़ हाथ का ऐसा ये लेके आया, रड नहीं पाइप लोहा का पाइप, और उसी से ऐसा ये चलाने लगा। तो बाएं हाथ में हमको चोट लग गई है, माथा बचा रहे थे। पाइप कौन चलाया था सर? रामचंद्र ठाकुर और उनके भाई लोग। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? महुआर के रहने वाले। लोग कुल मिला के वैक्सीन दिलाने आप लोग गए थे? वैक्सीन दिलाने गए थे। उसको चिन्हित दिया गया था, नहीं दिया था, इसे समझा रहे थे बाबू ले लो वैक्सीन, लेना ही चाहिए। ठीक है। वो किया उसके बाद वो पत्थर भी उठाया मारने के लिए। वहाँ और लोग भी थे, उनको समझाया गया कि आप कोविड का वैक्सीन लीजिए, है ना, सरकार का ये है योजना है, चला रही है कोविड को ये करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, कोविड को समाप्त करने के लिए। वो नहीं तैयार हुआ, वही ऐसा हमको ऐसा ये करना, पत्थर भी मारने के लिए उठाया। उसके पहले ऐसे रॉड घी से चलाया, लोहा का पाइप था करीब डेढ़ हाथ का, उसे भी मारने लगा। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद बेंगाबाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पूरी जानकारी लेते हुए अंचल अधिकारी को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट।